लेट्स सी कि तुम इस घर में चार दिन टिक पाती हो कि नहीं। रूल्स, जो मैं कहूंगा वही करोगे, और अगर तुम एक भी टास्क में फेल हुई तो मैं एक बॉटल तोड़ूंगा, और चार दिनों में ये चारों बॉटल्स टूट गई तो फिर तुम अपने घुटनों के बल बैठकर, सिर झुकाकर, अपनी नाक जमीन पे रगड़कर मुझसे माफी मांगोगी। और वो दिन कभी नहीं आएगा। अहिल बाबा, अहिल बाबा, नाज़िया बीबी की तबीयत फिर से खराब हो गई है, जल्दी चलिए। नाज़िया, आंखें खोलो नाज़िया। नाज़िया, क्या हुआ? नाज़िया आंखें खोलो अपनी। क्या हुआ, क्या इसे? पता नहीं। अज़र भाई कहाँ है? वैसे अज़र? बेटा वो वहाँ गया है। लेनी। और उसका फोन भी नहीं लग रहा। डैमर, घर में डॉक्टर, लेकिन जरूरत पड़ने पर। फायदा क्या उसकी डॉक्टरी का? कोई पानी लाओ। नासिर, इतना वक्त क्यों लग रहा है? गेट मी सम वाटर। या अल्लाह, लगता है नाज़िया ने दवाई की ओवरडोज ले ली। What? हाँ देखिए ना, वो दवाई अब तक पानी में ठीक से घुली भी नहीं है। नाज़िया को उल्टियां करवानी होंगी, नहीं तो दवाई अंदर रह जाएगी और कुछ भी हो सकता है। मैं नमक वाला पानी लेके आती हूँ। Stop it right there. तुम जैसी जाहिल की वजह से अपनी बहन की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। I'll just call the doctor. चलो उठो, इसे उठाओ, उठो नाज़िया, नाज़िया उठो, नाज़िया प्लीज उठो ना, ये पी लो। नाज़िया, नाज़िया, कौन? नाज़िया, तुम ठीक हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, ये फाइन नाज़िया, प्लीज, यस यस। डॉक्टर, थैंक गॉड, यू प्लीज प्लीज आके देखिए। किसी ने इन्हें कुछ पिलाया था क्या? इन्होंने कुछ नमक का पानी पिलाया, पर शिल बी ओके रहे। गुड जॉब। अगर ये दवा 5 मिनट और इनके पेट में रहती तो इनकी जान भी जा सकती थी। अभी ये खतरे से बाहर है। अब ये ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बाय। खा लो प्लीज। आशिया, तुम भी ना। खुदा का शुक्र है कि सर ने सही वक्त पे सही कदम उठाया। अगली बार मेरी बहन के नजदीक मत आना, और अपना इलाज अपने पास ही रखना। पर आहिल भाई, सनम की वजह से तो अंधेरे में कोई भी पहली बार तीर मार सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने देसी नुस्खे यहां पर लेकर आए। वो मेरी बहन है, एंड स्टे अवे फ्रॉम हर, जस्ट गेट आउट। पर ये ओवरडोज हुआ कैसे? पता नहीं आहिल भाई, नाज़िया अपनी मेडिसिन को लेकर काफी केयरफुल रहती है। तो ऐसी गलती कौन कर सकता है? हो सकता है ये किसी ने जानबूझकर किया हो। शाज़िया, तुम जानते हो इसके बारे में?
शाजिया ये आपका है ना? शाजिया मैं जानता हूं कि तुम कुछ छिपा रही हो। स्पीक अप। आई सेड स्पीक अप। रोजन मुझसे गलती हो गई पर मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि ये सो जाए। मैं कुछ गलत करना नहीं चाहती थी। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है तुमसे? बच्ची नहीं हो तुम। नाजिया को कुछ भी हो सकता था। How could you be so careless? मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। कैसे कर सकती हो तुम? कैसे कर सकती हो तुम? सनम मैं बहुत खुश हूं। तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कैसे ना करूं आपकी फिक्र? अभी आपके ऑपरेशन को दिन ही कितने हुए हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अकेले वहां सब कुछ संभाल रही हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी बड़ी अम्मी। मैंने कहा ना सनम तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मुनीसा मेरा ख्याल रखती है। बस तुम अपने काम पे ध्यान देना, ठीक है? हाँ एक बात जरूर है कि कुछ अजीब सा लग रहा है। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं लेकिन अलग अलग। तेरी बहुत याद आ रही है सनम। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है और मुझे ये भी पता ना कि आप अपनी सेहत को लेकर कितनी लापरवाह हैं, इसलिए और भी याद आती है। प्लीज बड़ी अम्मी मेरे लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी, आऊंगी रात में। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। किसी ने इन्हें कुछ पिलाया था क्या? इन्होंने कुछ नमक का पानी पिलाया पर शिल बी ओके राइट। गुड जॉब। अगर ये दवा 5 मिनट और इनके पेट में रहती तो इनकी जान भी जा सकती थी। अभी ये खतरे से बाहर है। मेरे लिए अम्मी के बाद मेरी बहनों से ज्यादा कीमती कोई भी नहीं है। उसने मेरी बहन की जान बचाई है, एक बार शुक्रिया तो कहना ही चाहिए। अगर तुम एक भी टास्क में फेल हुई तो मैं एक बोतल तोड़ूंगा। मैं आपसे पूछने आई थी कि सब काम हो गया है तो मैं कुछ देर के लिए अपनी बड़ी अम्मी से मिलके आ सकती हूँ। तुम्हारा काम कब खत्म होगा कब नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। आई विल डिसाइड दैट। रही बात तुम्हारी बड़ी अम्मी से मिलने की, द आंसर इज नो। क्यों? देखिए प्लीज मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। मुझे कोई भी बात दोहराना पसंद नहीं है। अ नो मींस अ नो। और वैसे भी अब तुम्हारे पहले टास्क का वक्त है। क्या हुआ, डर गई? क्या करना है मुझे? तैरना आता है? नहीं। परफेक्ट। ढूंढ कर ला।
दो मिनट है तुम्हारे पास। तुम्हारे दो मिनट शुरू हो गए। क्या कहा था तुमने? खुददारी गुरूर से नहीं डरती। अब क्या हुआ? खुददारी भीगने से डरती? बातें पहाड़ जितनी और हिम्मत एक जर्रे के बराबर भी नहीं। पहले ही टास्क में नाकाम। लगता है एक बॉटल तोड़नी पड़ेगी। सिर्फ अपने घुटनों के बल नीचे सिर झुकाकर अपनी नाक जमीन पर रगड़कर माफी मांग लो। हमशो तैरना आता होगा वरना कूदती नहीं। सेकंड से ज्यादा हो गया। तीस सेकंड से ज्यादा हो गया। मुई नाजिया के चक्कर में आज खाना भी नसीब नहीं हुआ। जुल्फी के अब्बू, बड़ी भूख लग रही है। सुनिए जी, वहाँ नीचे से ना जल्दी से वो निकालिए। जूते? जूते नहीं जी, वो जिसमें वो खाना रखते हैं ना, प्लेट। हाँ, निकालिए जल्दी। आ,
अरे मक्खन भी था ना? हाँ मक्खन भी था। जल्दी नीचे से निकले हुए टिकट नहीं खाता तो बेटा ये खा ले ब्रेड बटर। नहीं बेटा ये चॉकलेट खाओगे? नहीं, हर जगह खाना छुपा रखा है। वेट, ये क्या है? क्या है? चटनी। बेटा एक खाना मत, इसे खराब हो गई होगी। वाओ पुदीने की चटनी सुपर टेस्टी। बेटा तू अच्छा देना थोड़ा पे बैठ प्लीज। बेटा मैं नहीं दूंगा, पहले ये बताओ ये चटनी किसने बनाई? इतनी अच्छी चटनी मेरे जैसी छुई मुई के अलावा कौन बना सकता है? अगर लतीफ तुम मेरे लिए हर रोज ये चटनी बनाती रही तो मैं तुम्हारे फिगर का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और तुम्हारे फेस पैक में लाल मिर्च भी नहीं डालूंगा। हाय अल्लाह, ये शैतान बच्चा क्यों मेरे हुस्न के पीछे पड़ा हुआ है? अगर ऐसी चटनी रोज बनाती रही तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। मैं इतनी कमसिन और छुई मुई ना होकर भारी होती ना तो अभी तुम पर बैठ जाती और तुम्हारी चटनी बना देती मैं। देखो लतीफ, अगर मुझे ये चटनी रोज नहीं मिली तो सोच लो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अरे हाय अल्लाह, इतना छोटा बच्चा मुझे धमकी दे रहा है, सबक तो सिखाना पड़ेगा। तुम ठीक हो? जब तैरना नहीं आता तुम तो तुम कूदी क्यों? पागल हो गई हो तुम? हार क्यों नहीं मान लेती तुम? तुमने जो चैलेंज लिया था वो तुमसे कभी पूरा नहीं होगा। You have lost. हार गई हो तुम. Accept defeat. मैं हारती नहीं हूं। जो घड़ी मैंने फेंकी थी ये वो घड़ी नहीं है। ये आप ही की घड़ी है? जो घड़ी मैंने अंदर फेंकी थी वो टूटी हुई नहीं थी। ये टूटी हुई है, अब ये मेरी घड़ी नहीं है। You've lost, Mohtarma. तुम हार गई हो। क्या कहा था तुमने कि ये तुम्हारी खुददारी और मेरे गुरूर की टक्कर है? देखो ये कांच के टुकड़े नहीं है बल्कि तुम्हारी खुददारी के टुकड़े हैं और इन 3 दिनों में तुम्हारी सो कॉल्ड खुददारी को 3 बार और तोड़ूंगा। तब तक तोड़ूंगा
जब तक तुम्हारी खुददारी खाक में नहीं मिल जाती।